के साथ, लेकिन शुरुआत कोरोना टॉप 20 के साथ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1383 नए मामले, मरीजों की संख्या बढ़कर 19,984। कोरोना से 640 लोगों की जान गई, 3,870 मरीज ठीक हुए। कोरोना से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित, 5,218 लोग संक्रमित, 251 लोगों की जा चुकी है जान, 722 लोग ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के 75 नए केस, मरीजों की संख्या बढ़कर 2,156। हरियाणा में कोरोना के 3 नए मामले, मरीजों की संख्या बढ़कर 260। प्रदेश में 153 मरीज हो चुके हैं ठीक, 3 की जा चुकी है जान। कोरोना के मद्देनजर पूरी तरह सील हुआ दिल्ली यूपी बॉर्डर, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर के डीएम का फैसला, लोग हो रहे परेशान, बिना पास के मीडिया कर्मियों को भी नहीं जाने की है इजाजत। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आने जाने वालों की हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग, मेडिकल टीम कर रही है थर्मल स्क्रीनिंग, बॉर्डर पर लगाए गए हैं स्वास्थ्य कर्मी। गृहमंत्री के आश्वासन के बाद डॉक्टर्स ने वापस लिया सांकेतिक प्रदर्शन। अमित शाह ने डॉक्टर्स को दिया सुरक्षा का भरोसा, आईएमए ने कहा हमें सरकार की बात पर है भरोसा। कोरोना संकट को लेकर G20 देशों ने किया संकल्प, G20 देशों ने सभी नागरिकों के लिए खाना सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। कोरोना के कहर के बीच राहत भरी खबर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार किया कोरोना का वैक्सीन। अमेरिका में थम नहीं रहा कोरोना का कहर, लगातार बढ़ रहा है संक्रमितों का आंकड़ा, कोरोना से 7,94,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। संकट पर ट्रंप का फैसला, बाहरी लोगों के अमेरिका में बसने पर अस्थायी रोक। पूरे देश में जारी लॉकडाउन के चलते कई लोग अपने घरों से दूर हैं, ऐसे में उनके खाने और रहने का इंतजाम सरकार कर रही है, कई सामाजिक संस्थाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसी एक सामाजिक संस्था के लोगों को वसंत कुंज नॉर्थ थाना क्षेत्र में भरी दोपहरी में बेल्जियम की एक छात्रा खाने के लिए अपने भारतीय दोस्त के साथ पैदल जाती नजर आई। इसके बाद संस्था के लोगों ने स्थानीय SHO की मदद से विदेशी छात्रा को होटल में ठहरने और खाने का इंतजाम किया। पलवल वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पलवल में सिविल अस्पताल जिले के सभी मीडिया कर्मियों का टेस्ट किया गया। नागरिक अस्पताल के सीनियर मेडिकल अधिकारी डॉक्टर अजय माम ने बताया कि कोविड-19 के दौरान मीडिया कर्मी भी फ्रंट लाइन पर आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए टेस्ट करवाए गए हैं, ताकि पता चल सके कि कोई मीडिया कर्मी कोरोना वायरस का शिकार तो नहीं। कोरोना से लड़ने वालों की जंग में डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मियों के अलावा सफाई कर्मचारियों का भी बराबरी का योगदान है, लेकिन राजधानी में सफाई कर्मियों को बिना किसी सेफ्टी के ही काम करने के लिए छोड़ दिया गया है।